अस्सलाम वालेकुम नाजनीन, आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर की बर्फ़ी। इसके लिए चाहिए होगा 2.5 कप मिल्क पाउडर लेंगे, 2 कप चीनी, पीसते हमने बीच में से कट लगा ली है, बादाम, अखरोट, 1 सॉस पैन लेंगे, इसमें 2 कप चीनी डालेंगे। 2 कप चीनी में हम 2 कप पानी डालेंगे। हमने गैस को मीडियम टू लो पे रखा है। इसी तरह हम चाशनी पकाएंगे। हमारी चीनी घुल चुकी है, हम इसी तरह चम्मच चलाते रहें। चाशनी हमारी पकना शुरू हो चुकी है, अब हम इसको इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक चाशनी 1.5 कप ना हो जाए। हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये चाशनी पकने में 8 से 10 मिनट लगे हैं। एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, चाशनी को नाप कर डालेंगे क्योंकि मेजरमेंट सही होना चाहिए। आप देख सकते हो बिल्कुल 1.5 कप है हमारी चाशनी, इसी तरह बिल्कुल होनी चाहिए। इस चाशनी में 1/2 टेबल स्पून हरी इलायची का पाउडर डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर की बर्फ़ी में आप चाहे तो 1/2 कच्चा नारियल भी कद्दूकस करके डाल सकते हो, और भी बहुत मज़ेदार बनेगी ये भी। ऐसे भी बहुत ही मज़ेदार रहेगी, आप चाहे तो कच्चे नारियल भी इसमें डाल सकते हो। 1 कप हमने डाल लिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम 2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1/2 कप डालना और बाकी है, अब मैं इसमें 1/2 कप डालूँगी। मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें डालूँगी, थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा के रखूँगी। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चारों तरफ से। केक मोल्ट ले लिया है, इसमें बटर पेपर बिछा लिया है और थोड़ा सा घी से हमने इसको स्प्रेड कर लिया है। अब जो हमने बना के रखी थी मिल्क पाउडर का मिश्रण इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से हमने फैला लिया है, इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, हल्का से प्रेस करेंगे। इसी तरह से हमने इसको 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है, 3 घंटे हमने लिए इसको इसी तरह से छोड़ दिया है। अब इसको हम निकालेंगे, एक कटिंग ट्रे पे हमने इसको रख लिया है। आपकी चॉइस, कैसे भी इसको पीसेस बना सकते हो, मैं स्क्वायर बना रही हूँ। आप खजूर का शेप भी इसको दे सकते हो। मिल्क पाउडर की बर्फ़ी रेडी हो चुकी है, हमने इसे डिश आउट कर लिया है। मिल्क पाउडर की बर्फ़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हो। अगली रेसिपी तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।